अपनी लाइफ वीडियो को बहुत सारे Hey guys, welcome back to my channel. This is Tanya. और आज के वीडियो में मैं कुछ ऐसे ट्राई करने वाली हूँ जो मैंने आज तक नहीं किया है. So, ऐसे चैलेंजेस लेना मुझे बहुत पसंद है जो कि मैंने पहले कभी नहीं किया बट आज ऑन स्क्रीन वीडियो चालू करके बनाने वाली हूँ. So, ऐसे चैलेंजेस में बड़ा मजा आता है बिकॉज मुझे भी नहीं पता होता कि क्या बनने वाला है एंड आपको तो पता ही नहीं होता. सो बेसिकली आज हम लोग स्टेरी पेंटिंग ट्राई करने वाले हैं. इसमें हम बहुत ही बेसिक लेवल पर काम करते हैं विद दी हेल्प ऑफ लीव्स. बेसिकली इस पेंटिंग में हम लीव्स को यूज करते हैं बहुत ही नॉर्मल बेसिक लेवल पर. हम उनके ऊपर पेंट करते हैं एंड फिर शीट्स के ऊपर उन्हें ट्रेस करते हैं. सो दिस प्रोसेस इज गोइंग टू बी सुपर डुपर इंटरेस्टिंग एंड ईजी. सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना. ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल द रेड बटन बिलो. सो अगेन मैं हमेशा की तरह हमारी ये स्केच बुक यूज करने वाली हूँ एंड लेट्स गो गाइस. ओके तो इसी स्केचबुक में मैंने बहुत सारे स्केचेस एंड पेंटिंग्स बना रखी है एंड उसके वीडियोस भी अपलोड कर रखे हैं. अगर आपने नहीं देखे तो प्लीज चेक आउट माय चैनल पेज. एंड नाउ फाइनली हम हमारी पेंटिंग को चालू कर सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यूज कर रही हूँ एक वॉशी टेप फॉर इट्स बाउंड्री एंड टेप की स्टिकनेस हटाने के लिए मैं इसको कुछ इस तरह से टेबल पर 3 से 4 बार रब कर रही हूँ ताकि वो हमारी पेंटिंग को स्पॉइल ना करे. और अब विद द हेल्प ऑफ अ फ्लैट ब्रश मैं इस पूरे पेज के ऊपर ब्लैक पेंट अप्लाई कर लूंगी. और अब आता है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस पेंटिंग्स टू प्लग द लीव्स फ्रॉम द गार्डन. सो यस मैं बहुत डिफरेंट डिफरेंट शेप्स की लीव्स कलेक्ट करने वाली हूँ और साथ ही साथ मैंने कुछ फ्लावर्स भी कलेक्ट करे हैं टू प्रिजर्व दम. ये फ्लावर्स कितने क्यूट लग रहे हैं. और पता है मैंने लीव्स को थोड़ा सोक होने के लिए रख दिया ताकि ये ड्राई ना होए. और अब आ जाता है सबसे मेन पार्ट जो कि है वाइट एक्रेलिक पेंट की हेल्प से इन सब के ऊपर पेंट करना और फिर उसे ब्लैक शीट के ऊपर ट्रेस करना. सीरियसली आई हैव एंजॉयड दिस प्रोसेस. ये करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा था. आई मीन मजा आ गया यार. ये बहुत सेटिस्फाइंग फीलिंग है. और मैं सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए खूब सारी लीव्स को ट्रेस कर रही हूँ एंड उसके बाद में मैं डार्क ब्लू कलर की हेल्प से इसके ऊपर एक कोटिंग अप्लाई कर रही हूँ जस्ट टू गिव अ स्टेरी लुक. एंड उसके बाद में मैं उसके ऊपर बहुत सारी लीव्स और ऐड कर रही हूँ और उनके ऊपर लाइट पिंक शेड का कोट कर रही हूँ. और पता है ये प्रोसेस ऐसे ही चलता जाएगा जब तक हमारा पूरा पेज नहीं भर जाता है और हम डार्कर शेड से लाइटर शेड्स की तरफ जाते जाएंगे. और इसे ही कहते हैं स्टेरी पेंटिंग गाइस. सो सीरियसली मुझे ये करने में बहुत मज़ा आया बिकॉज ये नया एक्सपीरियंस था मेरे लिए तो मैं एक तरफ से रिस्क भी ले रही थी और एक नेचुरल थिंग्स के साथ में काम करके एक अलग ही एक्सपीरियंस था. प्लस मैं इसके अंदर कुछ शेडोज ऐड कर रही हूँ जस्ट टू क्रिएट अ डेप्थ लाइक लुक. पर्सनली आई जस्ट लव द होल प्रोसेस. आप मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये कैसा लगा. एंड लास्टली में मैं इसके अंदर कुछ एक छोटा सा नाना सा कोट ऐड कर रही हूँ बिकॉज लास्ट में ये बीच की स्पेस बच गई थी तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इसमें क्या करूँ. सो यस दिस इज अ गुड आइडिया. और लास्टली में ये वाशी टेप हटाने के बाद में जो शांति मिलती है ना यार ये एक आर्टिस्ट ही समझ सकता है. And it's done, guys. हमारा फाइनल पीस कुछ ऐसा लग रहा है एंड
सीरियसली जब मैंने चालू किया था तो मुझे बिल्कुल नहीं लगा था कि ये कुछ ऐसा बनेगा, बट ये सेटिस्फाइंग प्रोसेस था। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना एंड फॉलो फॉर मोर सच कंटेंट। बाय बाय।